हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आर के टूल चैनल। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है आपके लिए भी। एक अच्छा न्यूज आया हूँ और इसको सुन करके बड़े ही आप खुश हो जाएंगे और आप गांव में ही रह करके एक अच्छी सी नौकरी पा जाएंगे। तो क्या है उसकी मैं पूरी डिटेल्स में बताऊँगा, किस तरीके से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। ये नौकरी है उसकी डाक विभाग की। जैसा कि ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये नौकरी डाक विभाग से निकली है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैसे क्या करना है, इसका मतलब लिंक कैसे मिलेगा, मैं इस सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों, आधार कार्ड आपके पास है, 10वीं का मार्कशीट है और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, ठीक है। ये तीन चीज़ आप मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। वैक्सीनेटर में नौकरी करते हैं, सहायक में नौकरी करते हैं, या किसी में भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो भी कर सकते हैं, और यदि नहीं है उस नौकरी में तो भी कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसका लास्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 22 अप्रैल तक है, ठीक है। 22 अप्रैल तक है, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से ना करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से उतना ऑप्शन आपको समझ नहीं आएगा। आप कंप्यूटर के जहाँ पर ऑनलाइन किए जाते हैं, कंप्यूटर से ही करें तो बेहतर रहेगा। जो OBC के कैंडिडेट हैं, जो OBC में आते हैं, उनका 100 रुपये है, बाकी और सब के लिए पैसे नहीं है, फ्री है। और जहाँ तक ये मैं देख पा रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल्स मैं आपका इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे जाएंगे तो आप डायरेक्ट डाक विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे भी आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को और सब कुछ पढ़ के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि जितने भी मेरे वैक्सीनेटर और सहायक दोस्त हैं, तो इसका भी लाभ उठाएँ, अपना भविष्य की कामना करें और सफल हों। मेरा उम्मीद और मकसद यही है कि मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, वो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट काम हो, चाहे अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप हो, तैयारी करें और लग जाएं और एक दिखा दें अपने अगल बगल पड़ोसियों को कि हाँ, मेरे में भी वो दम है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दुनिया से नहीं लड़ना है, अपने आप से लड़ना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं चाह दूं तो वो सब कुछ हासिल कर सकता हूं जो किसी के लिए सपना है। तो खैर, टॉपिक अलग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इस तरह की कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत नोटिफाई करूंगा, तो आप नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपने अप्लाई किया या नहीं किया। चलिए दोस्त, जय हिंद।